What's up people, welcome back to a new vlog. तो कैसे सबके सब गाय हम ये देखो ये रहा जंगल ये रहे बच्चे आज फाइनली हम लोगों ने मिलके हमारे स्टूडियो का एक पीस मतलब ऐसे इंतजाम किया हुआ है जैसे कि मैं बोल रहा था बहुत टाइम बाद हम लोगों ने मिलके एक छोटा सा पीस अरेंज किया था और यहाँ पे सारे लोग वहाँ पे देख सकते हो वहाँ पे सब हमारा रेडी हो रहा है खाना वहाँ पे कुछ लोग वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं वहाँ पे भी खेल रहे हैं बच्चे बैडमिंटन यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं बॉल ये पकड़ा हुआ है और उस साइड कहीं ना कहीं वो हो रहा है वहाँ पे फुटबॉल भी खेल रहे हैं और ये मेरा भाई ऐसे कूद के क्यों आ रहा है पता नहीं ऐसे क्यों भाग के आया मेरे को नहीं पता लेकिन बहुत टाइम से हम लोग सब सोच रहे थे कि नहीं एक सेलिब्रेशन होना चाहिए हमारे वे में पूरा यू नो जंगल के अंदर नेचर के बीचों बीच खाना वाना बना के खुद से बना के खरीद के रेस्टोरेंट में वो तो बात ही खत्म यू नो मजा ही खत्म बट यहाँ पे खुद से बना के सब लोग ऐसे यू नो सब लोग मिल के वहाँ पे एकदम पूरा फैमिली जैसे हम लोग की फैमिली ही है तो फीलिंग रियली ग्रेट मजा आ रहा है अब चलते हैं सबके पास देखते हैं क्या बन रहा है वहाँ पे हमारा म्यूजिक बज रहा है और यहाँ पे हमारे सर लोग मेरे को बिना दे के खुद अपने से पापड़ खा रहे हैं और मेरे को भी पापड़ मिल गया जो पापड़ बन रहा है हमारे आज के मुख्य शेफ जो हैं हमारे जिनके बिना नहीं होता पॉसिबल वो ये रहे हमारे दो होस्ट हैं यहाँ पे मेल होस्ट फीमेल होस्ट क्या बोल रही थी कम्प्लीट है सर अरे कम्प्लीट कर कुछ बोल रही थी अटक के बोल लो एक क्यूट सा क्यूडू मामूनी पार्ट टू भागो 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 अरे भागो भागो वहाँ पे ऐसे है तो सब लोग चलो खाना रेडी हो गया चल जल्दी चलो चलो सब लोग चलो भाई जोगिंदर पापड़ खाएगा ये फोटो है ना वीडियो है नहीं फोटो जो जोगिंदर खा रहा है हरा भाई जोगिंदर पापड़ खा आगे आगे कैसा लग रहा है खाना ये अच्छा है मैन इनको सारा क्रेडिट जाता है क्या बोलते हैं कुछ बोलिए भाई अपना डांस कर रहे हैं रे 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 तो ये चल रही है पैकिंग ओके सॉरी वेलकम बैक टू द ब्लॉग मैं बताना भूल गया था आफ्टर 3 साल आफ्टर 3 इयर्स मैं जा रहा हूँ फाइनली ऑन अ प्रॉपर ट्रिप ट्रिप पे जा रहा हूँ ऑल ऑफ अ सडन प्लान था बहुत टाइम पहले मैं सोचा था कि नहीं जाऊँगा इस साल तो जाऊँगा कोविड की वजह से मैंने 3 साल पूरा ऐसे ही घर पे मैं वैसे पहले बहुत ट्रैवल करता था अभी बहुत दिनों बाद मैं ट्रैवल कर रहा हूँ सो फाइनली एवरीथिंग इज़ रेडी सब पेपर्स वगैरह ये पैकिंग वैकिंग सब पूरा बिखरा बिखरा है और भी होना बाकी है ये मेरा बैग वहाँ पे भाई का रेडी होगा मेरे साथ जा रहे हैं मेरे भैया जाने वाले भाई बस हम दोनों कहाँ जाने वाले वो वहाँ पे पहुँच के आपको बताऊँगा पहले से नहीं रिवील करूँगा इसके बाद डायरेक्टली हम ट्रेन में ही मिलेंगे ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो आज अचानक से यहाँ पे चोट भी लग गया मेरा फिर ट्रैकिंग भी है पता नहीं कैसे मैं भी चल पाऊँगा कि नहीं थोड़ा अभी पैक करते हैं बैग में भर्ती नहीं हो रहा भर्ती करते इसको अच्छे से तो ये वाला जो ब्लॉग है मैं कोशिश करूंगा कि पार्ट वाइज डालने को जैसे कि पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 जितना भी पार्ट हो जाएगा मतलब थ्रू द जर्नी जितना भी पार्ट बन सकता है मैं कोशिश करूंगा कि थ्रू द जर्नी जर्नी के अंदर ही मैं इसको एडिट करके पार्ट वाइज अपलोड करता रहूं वहां पे नेटवर्क रहेगा तो करूंगा कोशिश पक्का करूंगा देखते हैं होप तो वही कर रहा हूं क्योंकि पार्ट वाइज करने से मजा भी आएगा होपफुली देखते हैं ट्रेन अभी 2 घंटे लेट चल रहा है इरिटेट लग रहा है ऑब्वियसली लगेगा बट खुश हूँ क्यों बताऊँ क्योंकि आज होल डे में वो 147 ट्रेन की यात्रा बंद हो गई कुछ प्रॉब्लम की वजह से लकीली हमारा नहीं हुआ जब मैंने न्यूज़ सुना मैं तुरंत भाग के गया इंक्वायरी में चेक करके आया भैया को भी भेजा था मैंने एंड लकीली हमारा ट्रेन कैंसिल नहीं हुआ नहीं तो पूरा ट्रिप फिर कैंसिल करना पड़ता और कल के लिए मन भी नहीं करता तो लकीली लेट हुआ है लेट ही सही बट जाना है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर है गाइस ये है डे 2 मेरे ट्रैवल का अभी फिलहाल मैं हम हैं हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पे दिल्ली हमको जाना है देहरादून वहाँ से फिर और एक जगह ट्रैवल करना है वो कार से करना है वहाँ तक जाना है ये बहुत लंबा जर्नी है एंड रात को थोड़ा बहुत मैं शूट करूँगा एंड उसके बाद जो करूँगा सुबह ही करूँगा थोड़ी देर पहले ही उठा मैं सो गया था काफ़ी टायर्ड लग रहा था तो रात के 12:10 और हम पहुँच गए
वहां से हरिद्वार, यहाँ से देहरादून के निकलना है। हालत मेरा खराब हो रहा है, इतना ठंड में कभी आया नहीं मैं। कैसा लग रहा है यहाँ का ठंड? खतरनाक हालत। यहाँ थोड़ा मैं बात कर पा रहा हूँ, थोड़ा नीचे आ गया, ऊपर चलने लायक। हवा इतना जोर से लग रहा था ऊपर से, इतना जोर, क्या ठंड यहाँ पे। सबसे मेरा सबसे ज्यादा यहीं पे, इससे ज्यादा ठंड मैंने कहीं पे फील नहीं किया। भाई कहाँ जा रहा है अभी? यहाँ से हमको टिकट बुक करवाना है फिर से देहरादून के लिए। तो ये है हमारा हरिद्वार का कुछ, वाव बहुत सुंदर है, देखो कितना सुंदर है। 7-7-7 उत्कल एक्सप्रेस पुरी से चलकर योगनगरी ऋषिकेश को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर खड़ी है। रात के 12:30 बज गई, अब मैं गया था अभी टिकट काउंटर में बात करने। अभी तो बंद है फिलहाल, 2 बजे खुलने वाला है, रात के 2 बजे। सुबह सुबह 3:45 में ट्रेन है, तो 2 बजे ही खुलेगा काउंटर जाके, फिर वहाँ से टिकट बुक करवा के फिर मेरे को रवाना होना है देहरादून के लिए। देहरादून से फिर हमको जाना है एक जगह, कल से बताऊँगा कहाँ पर जाना है। फिलहाल के लिए इतना ही अपडेट। ठंडी हो रही है बहुत ज़्यादा, मेरे लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं उनको तो लगता नहीं होगा इतना, उनका तो मतलब यू नो हैबिट होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। इतनी से बहुत भूख भी लग रही है फिलहाल, तो अभी कुछ खाने को मिलेगा नहीं, देखते हैं। मैं ढूंढूंगा यहाँ पे कुछ मिल जाए तो खा लूँगा। रात के 1:40 फाइनली टिकट हो गई, अभी जा रहा हूँ अंदर, अंदर वेट करूँगा, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। तो सुबह के 6 बज गए, मेरा भैया चाय पी रहा है, मेरा चाय खाता है, मैंने कुछ बिस्किट उस्किट कुकीज़ वगैरह खा लिया। तो हम यहाँ पर पहुँच गए थे कुछ 4:30 बजे, उसके बाद बहुत ज़्यादा ठंड यहाँ पर बढ़ गई थी, इसलिए मैं थोड़ा वेटिंग रूम में आके वहाँ पे सो गया था, थोड़ा सा बैठ के चेयर के ऊपर, बहुत ज़ोर की ठंड है। अभी फ़िलहाल हमारा कैब आने वाला है, हम लोग जाने वाले हैं, टाइम हो रहा है, तो बहुत बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। चाय पी लिया, अब थोड़ा लग रहा है फ्रेश, थोड़ा गर्म हो गया बॉडी, अब जाते हैं जर्नी स्टार्ट करते हैं। मेरा ब्रेकफास्ट, ये तो वेजिटेरियन है, खाएगा नहीं, ब्रेड ऑमलेट और हम यहाँ पे रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए। तो ये रहा मेरा ब्रेड ऑमलेट, उसका भी आलू पराठा आने वाला है। तो ये कुछ यहाँ का नज़ारा है, और ये हमारा गाइड है। हेलो राज भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट लिए रुके हैं, तो इस ब्रेक हम जब जहाँ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं वहाँ अच्छे से बात भी नहीं कर पा ठंड की वजह से। उसके पीछे वाला एक ठो मतलब अच्छा व्यू है, देखिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। तो आई होप मैं आ रहा हूँ, यहाँ पे पीछे देख रहे हो वहाँ से पहाड़ दिख रहे हैं, बर्फीला पहाड़ वहाँ से दिख रहा है क्लियरली। वहाँ पर अगर मैं जूम करूँगा दिखेगा, वहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ से हम जाने वाले हैं सांगटी। सुबह के बज रहे हैं 11, स्टॉप लिया हम लोगों ने, नेक्स्ट स्टॉप संतरी की तरफ जा रहे हैं। और न्यूडे भाई आपको बता नहीं क्यों ऐसे ही क्या बोलते हैं मोशन सिकनेस हुआ, सब लोग गए मेडिसिन खरीदने। सही है यार, अपन को कोई दिक्कत नहीं है, मैं सही हूँ अभी तक, फिलहाल ठीक ही हूँ, मेरे को सिकनेस अभी तक आया नहीं है, मतलब संभाल लिया हूँ, आई एम अ फाइटर। यहाँ पे गाड़ी पेट्रोल डलवाने रुके हैं, ये जगह इतना खूबसूरत है, मतलब होता ना कि आप डिसाइड करते हो कि हाँ मेरे को आना है, और आने के बाद आपको इतना अच्छा फील होता है, वैसे मेरे को फील हो रहा है। वन लाइफ इट, उसको जैसे जीना है जी लो लिटरली, मैं एक भी और मोमेंट मिस नहीं करूँगा जितना मेरे से हो पाए। गाड़ी में तो इतना मुश्किल है थोड़ा रिकॉर्ड करना, बट जहाँ से भी हो पा रहा है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं आपको कैमरा में डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ, अगर ये मतलब रियल आँखों में इतना खूबसूरत लग रहा है ना। तो चलो अभी रिवील कर ही देता हूँ, जा रहे हैं हम लोग संकरी। संकरी से हम हमारा ट्रैकिंग स्टार्ट करने वाले हैं। यस, वी आर गोइंग फॉर द केदारकंठा ट्रैक, जो कि इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट फेमस और सबसे बढ़िया एक मतलब विंटर ट्रैक है। बहुत 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 ऊँचा आपको चढ़ना पड़ता है,
इसका ट्रैक भी रात में शुरू होता है, बहुत कुछ आगे देखने वाले हैं आप, ये पार्ट वाइज में डालूंगा। तो यस वी आर हियर फॉर द केदारकंठा ट्रैक। ये ट्रैक को जाने के लिए मैंने बहुत टाइम से वेट किया था, साइड किया था ये आई थिंक 2 महीने पहले, और ऑल ऑफ अ सडन हम लोगों ने बुकिंग किया था एंड मैं और भैया आए मेरे साथ, बस हम दोनों अभी खुश हूँ, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। तो जैसे कि मैं बोल रहा था यहाँ से जाएंगे हम लोग संकरी, संकरी एक छोटा सा विलेज है, गाड़ी ठीक होते होते नदी के पास से घूम के आ जाते हैं, पास में छोटी सी नदी है, और